क्यों एवेंजर्स वालों, आखिरकार तुमने हमारे सामने घुटने टेक ही दिए ना। ब्लैक हल्क और गॉड टाइटन ने तुम्हें झुका ही दिया। और यही नहीं, अभी मैं तुम लोग की शक्तियाँ लूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा, और इसके अंदर शक्तियाँ डाल के अपने मालिक यानी गॉड टाइटन को सारी की सारी शक्तियाँ दूंगा, और फिर गॉड टाइटन और मैं मिलके पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर देंगे। अरे नहीं ब्लैक हल्क यार, ऐसा मत करो, हमारी शक्तियाँ मत लो प्लीज। ओए तोड़ दूंगा, ओए फोड़ दूंगा, ओए ब्लैक हल्क, ओए ओए शक्तियाँ मत ले हमारी, ओए वरना हमारा क्या होगा, और लॉस सैंटोस को तबाह मत करो। आप चाहे तुम कितना भी गिड़गिड़ा लो, कितने भी मेरे पैर पड़ लो, मैं रुकने वाला नहीं। तुम्हारी शक्तियाँ लेके गॉड टाइटन को दूंगा और गॉड टाइटन को अपग्रेड कर दूंगा सन गॉड में, फिर वो पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर देंगे और दुनिया में सिर्फ हमारा राज होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा, कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। बहुत बढ़िया ब्लैक हल्क, तुमने इन एवेंजर्स वालों को बंदी बना के बहुत अच्छा काम किया। अब चलो फटाफट इनकी शक्तियां मुझे दो, फिर लॉस सैंटोस को छोड़ेंगे नहीं, पूरे के पूरे यूनिवर्स पे कब्जा कर लेंगे। हाँ मेरे गॉड टाइटन मालिक, तो रुको अभी मैं आपके अंदर पावर भेजना चालू करता हूँ। इन सब की शक्तियां मैंने अपने अंदर ले ली, अभी देखो मेरा कमाल, मैं इन सब की शक्तियां आपके अंदर ट्रांसफर करूंगा। ये लो गॉड टाइटन, ये लो सारी की सारी शक्तियां अपने अंदर ले लो और दुनिया के सबसे बड़े सन गॉड बन जाओ, और सबको छोड़ना नहीं। और ये देखो यहाँ पे मेरे गॉड टाइटन अपग्रेड हो चुके सन गॉड टाइटन में, और पूरा का पूरा मौसम भी बदल गया, कितने ज्यादा खतरनाक लग रही है। अब हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी दुनिया पे सिर्फ हमारा राज होगा, ब्लैक हल्क का और सन गॉड का। बहुत बढ़िया ब्लैक हल्क, तुमने सबकी शक्तियां मेरे अंदर डाल के बहुत अच्छा काम किया, अब मैं अपग्रेड हो चुका हूँ, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। जाओ बाकी के गॉड टाइटन्स को भी लेके आ जाओ, उनको भी अपग्रेड कर देंगे, फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। जाओ पूरी दुनिया का विनाश करना है हमें। जैसा आपका हुकुम मेरे मालिक, अभी जाता और बाकियों को भी लेके आता हूँ। अरे फ्रेंड में गाड़ी थोड़ी तेज चला ले यार, एक तो वैसे ही मौसम खराब हो रखा है, और ये क्या, अरे रोड पे लगता है कोई पी के पड़ा हुआ है। अरे ये लोग भी ना क्या क्या करते रहते हैं, और फटाफट एवेंजर्स वालों के घर पे चलो यार, पता नहीं वो लोग हम लोग को बहुत दिनों से दिखे भी नहीं है, और एक तो मौसम खराब हो चुका है, जाके पूछना पड़ेगा कि लॉस सैंटोस में ऐसे अचानक से मौसम कैसे बदल गया। अबे हाँ सिंजन, बदल तो गया अचानक से पता नहीं क्यों, और एक मिनट, अबे यार ये एवेंजर्स के घर के पीछे इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से आ गया भाई साहब, लाल पीला पहाड़, पता नहीं ये क्या चीज है। चलो छोड़ यार, फटाफट जाते पहले एवेंजर्स वालों के पास। एक तो यार ये नहीं हमारा फोन उठा रहे, ना ही कुछ कर रहे, ना ही मैसेज वैसेज किए किसी के थ्रू, पता नहीं कहाँ पे बिजी है सबके सब। चलो फटाफट अंदर जाते। अरे एवेंजर्स वालों, आयरन मैन, थॉर, स्पाइडरमैन, कहाँ हो तुम लोग? अरे हल्क भाई कहाँ? अरे यार ये तो पूरा का पूरा घर का लिए कहाँ पे? अरे यहाँ पे भी नहीं, ये लोग तो कहाँ चले गए सबके सब? अरे फ्रैंकली भाई मुझे तो लगता है ये लोग पक्का पार्टी मनाने कहीं पे चले गए होंगे, और हम लोग को बुलाए भी नहीं, ये लोग पक्का कहीं पे घूमने चले गए। ये एवेंजर्स वाले बहुत खराब है, ये लोग ने अच्छा नहीं किया। अबे नहीं यार सिंचन, ये एवेंजर्स वाले घूमने थोड़ी गए होंगे, वरना बता के जाते। और एक मिनट, अरे शायद ऊपर कोई है। अरे यार ये एवेंजर्स वाले मेरे ख्याल से ऊपर ही है छत पे। चल भाई साहब फटाफट छत पे जाते यहाँ से बाहर, और यहाँ पे मैं छत पे आ गया। और ये क्या, अरे भाई साहब ये लोग बंदी क्यों बने हुए हैं? ओए तोड़ दूंगा, ओए फोड़ दूंगा, ओए कलुए, ओए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ओए ओए ये जो पीछे जो तेरे को पहाड़ दिख रहा है, ये कोई पहाड़ नहीं है, ये सन गॉड टाइटन है, और इसने हमारी शक्तियां ले लिया है। ओए अब हम तो यार बिना शक्तियों के एकदम आम इंसान बन गए। ओए थॉर के बच्चे क्या बकवास कर रहा है, सुबह सुबह पटियाला पैग लगा लिया क्या, कुछ भी बोल रहा है भाई साहब। ये जो पीछे ये गॉड टाइटन, सन गॉड टाइटन, पता नहीं क्या बोल रहा है। अरे यार ये क्या हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अरे आयरन मैन भाई यार तू ही बता, ये सब क्या सीन चल रहा है? अरे फ्रैंकलिन ब्रो, थॉर बिल्कुल सही बोल रहा है, हमारी शक्तियां ले ली गई है, हमारी शक्तियां ब्लैक हल्क ने ले ली, और जाके इस जो पीछे गॉड टाइटन है इसको दे दिया, और इसको अपग्रेड कर दिया सन गॉड टाइटन में, और अब ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को तबाह करने वाला है, और सबसे पहले हमारे लॉस सैंटोस से ही चालू करेगा। फ्रैंकलिन बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, तुम्हें ही कुछ करना होगा, क्योंकि हमारी शक्तियां तो इसने ले ली। और पहली बात, तुम यहां से फटाफट जाओ, किसी से मदद मांगो, एक
एक काम करो, हल्क दद्दू से मदद मांगो, इससे कि पहले ये सन गॉड टाइटन तुम्हें देखे, फटाफट निकल जाओ यहाँ से। अरे भाई साहब, यहाँ पे आयरन मैन ने तो मुझे भगा दिया मदद मांगने के लिए हल्क दद्दू से, शायद वही एक बाहर बचे इसलिए, क्योंकि बाकी सब तो यहाँ पे बंदी बन चुके और इनकी पावर्स भी ले लिए। भाई साहब ये क्या हो रहा है? और गाइस देख सकते, ये तो सच्ची में पीछे सन गॉड टाइटन है यार, ये तो मजाक नहीं कर रहे थे। ओ बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ये सन गॉड टाइटन तो छोड़ेगा नहीं किसी को। बोल रहा था भाई साहब लॉस सेंटोस से ही सबसे पहले तबाही चालू करेगा, अब हम क्या कर रहे यार, अब तो बस एक ही रास्ता है, मदद मांगनी पड़ेगी, फटाफट जाते हैं। अरे फ्रेंकली भाई फटाफट जाते हैं ठीक है, पर गाड़ी तो ढंग से चला लो यार, मैं पीछे हूँ। अरे मैं इधर उधर डोल रहा हूँ एकदम आटे की बोरी की तरह। अरे थोड़ा ढंग से चलाओ यार प्लीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरे मत्था लड़ रहा है। अरे सिंचन के बच्चे, भाई साहब मैं गाड़ी चलाने पे ध्यान दे रहा यार, क्योंकि मुझे फटाफट जाना है, अभी मैं कंफर्टेबल नहीं देख सकता। भाई साहब इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, अब तो कैसे भी बस पहुंचना है और हल्क दद्दू से मदद मांगनी है, फटाफट जाते हैं। और गाइस यहाँ पे हम लोग यार हल्क दद्दू को ढूंढते हुए गांव की तरफ आ चुके हैं। आयरन मैन ने यार बताया था कि वो हल्क दद्दू जो गांव में कहीं पे खेती बाड़ी कर रहे हैं यार, सबको छोड़ वोड़ के, इसलिए यार उनको जो है गॉड टाइटन ने नई बंदी बनाया, क्योंकि भाई साहब उनके बारे में पता ही नहीं था यहाँ पे, पर किसी से तो पूछना पड़ेगा। अरे मोटे, ए तेरे को हल्क दद्दू के बारे में पता है क्या यहाँ पे कोई? अबे तेरी भैंस की आग, मोटा किसको बोला? कलुए, मेरे को मोटा बोला, तेरी ऐसी की तैसी, ये ले अभी तुझे बताता हूँ। अबे भाई साहब मैं तो हल्क दद्दू का पता पूछ रहा था और इसको मोटा बोला, ये तो भाई साहब बंदूक निकाल लिया, तेरी ऐसी की तैसी, रुक जा तुझे तो छोड़ूंगा नहीं, ये ले पहले एक मेरा मुक्का खा और लात खा। भाई साहब एक ही मुक्के में ढेर हो गया। अरे फिर से उठ रहा है, तेरी ऐसी की तैसी, अभी तो और लात मारूंगा। अबे फिर से उठ रहा, इस मोटे में तो बहुत दम है। अरे क्या इसका एक और मोटा साथी आ गया। अबे भाई साहब ये कितने सारे लोग है, रुको गाइस मेरे को गन निकालनी पड़ेगी। हाँ से यार फटाफट गन निकाल के मार दिया यार, ये दोनों तो बड़े खतरनाक थे यार, मोटा बोलने भी भड़क गए, छोड़ो इनको यार। अभी एक मिनट गाइस, खेत में मेरे को कुछ तो दिख रहा है, यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहा है हरा हरा बंदा। अरे गाइस ये रहे हल्क दद्दू, यही तो है जिनको हम ढूंढ रहे थे। भाई साहब यहाँ पे तो ये लग रहा है पालक की खेती बाड़ी कर रहे हैं। अरे फ्रेंकली भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो ना थोड़े से पालक हम भी ले लेते हैं ये हल्क दद्दू से, फिर घर पे जाके पालक पनीर बना के खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। अबे सिंचन के बच्चे तू चुप हो जा, यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, सबकी जान खतरे में और तेरे को पालक पनीर खाना है, थोड़ी देर शांत रह जा। अरे हल्क दद्दू यार मेरी बात तो सुनो, हमें यार आपकी मदद चाहिए, हमें एवेंजर्स वालों ने भेजा है, बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है हम पे। अरे फ्रैंकलिन पुत्र क्या कहा, सब पे मुसीबत आ गई और एवेंजर्स वाले की भी जान खतरे में, अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन ये तो बताओ क्या हुआ, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए बच्चे? हल्क दद्दू यार एक ब्लैक हल्क था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, उसने सारे के सारे एवेंजर्स वालों का पावर्स लेके यार गॉड टाइटन को दे दिया और गॉड टाइटन को अपग्रेड कर दिया सन गॉड टाइटन में, और यार उसको हराना तो नामुमकिन है, उसका शरीर इतना बड़ा है कि भाई साहब माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। अब क्या करें मुझे तो कुछ भी समझ, मुझे तो आयरन मैन ने आपके पास भेजा कि आपके पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। अरे फ्रैंकलिन बेटा मेरे पास तरीका तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता जरूर है, जैसे कि सन गॉड होता है और लावा गॉड होता है, वैसे ही दुनिया में एंजल गॉड और मून गॉड वगैरह भी होते हैं, लेकिन इसमें तुम्हारी मदद एंजल गॉड जरूर कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा नरम दिल के होते, वो तुम्हारी दुनिया को बचाने में जरूर मदद कर पाएगा, लेकिन तुम्हें उस तक जाने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। अरे हेल्प दे दो, आप उसकी टेंशन मत ले यार, मैं कोई फाइटर जेट लेके भाई साहब वहां तक पहुंच जाऊंगा कैसे भी, बस आप मेरे को लोकेशन फटाफट व्हाट्सएप पे भेज दो। अबे सिंचन के बच्चे कहां रह गया, खेतों में पालक निकाल रहे क्या? चल फटाफट गाड़ी में बैठ, अपने को यहां से निकलना पड़ेगा, जल्दी आ भाई साहब, क्या कर रहा है तू? अरे फ्रेंकली भाई थोड़े पालक नहीं थे, थोड़े से मटर ही लेने देते यार, ये खेतों की सब्जियां बहुत मस्त होती है, एकदम फ्रेश, मजा ही आ जाता यार, पालक पनीर नहीं तो कम से कम मटर पनीर ही बना देते आज तो। अबे सिंचन तुझे खाने के अलावा कुछ सोचता है कि नहीं? कैसे भी सोच यार कि हम लॉस सेंटोस को कैसे बचाए, अपने को इतना ज्यादा दूर जाना है वहाँ पे कैसे जाए, लेकिन नहीं तुझे तो पालक पनीर और मटर पनीर खाना है। अरे ऐसी बात नहीं है, रुको मैं भी आपको एक आइडिया देता हूँ, फटाफट मिलिट्री बेस चलो, वहाँ पे अपने को यार एक मस्त वाली प्लेन तो जरूर मिल जाएगी, जिसकी मदद से हम लोग जल्द से जल्द एंजल गॉड के पास पहुँच पाएंगे। अरे हाँ सिंजन तूने आइडिया तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिया, और लो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मिलिट्री बेस, और देख सकते हैं यहाँ पे यार अपने जैसे तैसे अपनी गाड़ी को घुसा दिया, और भाई साहब सामने देखिए यार सन गॉड टाइटन यहीं से दिख रहा है, माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा जो है
है। और ये सब छोड़ यार, अभी अपने को फटाफट एक प्लेन ढूंढनी होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि यार अपने को एंजल गॉड के पास जाना है, तो कोई अच्छी सी प्लेन लेनी होगी। एक काम करते हैं यहाँ पे, अरे नहीं यार ये तो यार कार्गो वाली प्लेन है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, हेलीकॉप्टर भी नहीं। अबे सिंचन ये देख, वेयरहाउस में यार मस्त जेट पड़ा यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई, ये काफी ज्यादा सही रहेगा क्योंकि जेट है तो इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, तो हम लोग जल्द से जल्द पहुंच पाएंगे एंजल गॉड के पास और मदद ले पाएंगे और फिर दुनिया को बचा लेंगे। वो तो देखते हैं यार, वहीं पे जाके पता चलेगा वो हमारी मदद करता है कि नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेक ऑफ कर लिया अपने इस जेट का, इसके अंदर तो यार मिसाइल वगैरह भी लगी जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात है। अब फटाफट चलते फुल स्पीड में और देख सकते हैं कितने मस्त तरीके से मैं उड़ा रहा। और ये रहा वो सन गॉड का बच्चा, भाई साहब इतना ज़्यादा बड़ा, इसको तो छोड़ेंगे नहीं। देख सन गॉड, मैं तेरे से बदला लेने ज़रूर आऊँगा, फिलहाल तो जा रहा हूँ। और यहाँ पे हम लोग लॉस सेंटोस से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं, जो कि यार लोकेशन बताया था दद्दू जी ने। और देख सकते हैं ये रहा पहाड़ों के अंदर एंजल गॉड जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन एक मिनट यार, ये पहाड़ों के अंदर दफन क्यों है, ये क्या बात हुई है यार, अभी हमारी मदद कैसे करेगा। जो भी है यार, पास जाके पहले बात करनी पड़ेगी। यहां से मैं प्लेन से कूद गया फटाफट और पैराशूट खोलना पड़ेगा। अरे भाई साहब पैराशूट खुल जा, हाँ गाइस फटाफट पैराशूट खुल गया। और ये एंजल गॉड को तो देखो यार, ये भी कितना ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर भी बहुत ही ज्यादा शक्तियां होंगी। अरे यार मैं तो गिर गया, चलो कोई बात नहीं, फटाफट इसके पास जाके इससे बात करते हैं। अरे फ्रैंकल भैया, ये एंजल गॉड तो कितना ज्यादा प्यारा है यार, देखो तो सही कितना मस्त एकदम कलरफुल है, इसके अंदर कितने सारे कलर है, ऐसा लगता है ये होली खेल के आ रहा है। मुझे तो बहुत मस्त लगा ये एंजल गॉड। अबे सिंचन तुझे ये मस्त लगा ठीक है, लेकिन यार ये होली वोली थोड़ी खेला है भाई साहब, ये एंजल गॉड ये ऐसे ही होते हैं। अभी तो अपना मुंह बंद रख, मेरे को बात करने दे। अरे एंजल गॉड मेरी बात सुनो यार, मैं बहुत ज्यादा दूर से आपसे मदद मांगने के लिए, जो हमारा शहर है उस पर यार सन गॉड टाइटन ने कब्जा कर लिया और यार वो पूरी दुनिया का विनाश करने वाला है, तो प्लीज यार हमारी मदद करो कैसे भी। अरे बच्चे पहली बात तो ये, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा पूरा का पूरा शरीर दफन है इस पहाड़ में, इस पहाड़ ने मेरे को बंदी बना के रखा है, मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, मेरा यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन तुम वो कर पाओगे। अरे एंजल गॉड यार, मैं लॉस सेंटोस और अपने एवेंजर्स वालों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ आप टेंशन मतलब बस बताओ आपको क्या चाहिए, सोना चांदी, आपको कोई पावर्स बताओ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपको इस पहाड़ के अंदर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ बस। अरे बच्चे, तुम्हें मुझे इस पहाड़ से निकालने के लिए एक एंजल स्टोन जो तुम लेके आके मेरे सीने पर रख दोगे तो मैं यहाँ से निकल पाऊंगा, उस स्टोन के पावर्स की मदद से मेरी पावर्स वापिस आ जाएगी, फिर हम जाके उस सन गॉड को हरा सकते हैं। लेकिन उस स्टोन को लाना इतना आसान नहीं है, उसको लाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत दूर जाना पड़ेगा। अरे आप टेंशन मतलब, मैं आपके लिए उस एंजल स्टोन को ला के रहूंगा और आपको जिंदा करके रहूंगा। चलो गाइस फटाफट जाते हैं, हम लोग को काफी ज्यादा दूर जाना होगा यार, लेकिन मैं अपनी गाड़ी तो पीछे ही छोड़ा है, छोड़ो यार। और गाइस ये देख सकते हैं सामने ट्रेन जा रही, एक काम करता हूं ट्रेन को पकड़ लेता हूं, मैं जल्दी पहुंचूंगा, फटाफट जाते हैं। अरे यार कौन सी बोगी में चढ़ू, ये रहा पीछे लाल डब्बा, चलो फटाफट यहां पे चढ़ जाते हैं। और लो गाइस यहां पे मैं अंदर आ गया, अब इस ट्रेन की मदद से यार मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा वहां पे। और देख सकते हैं गाइस यार, वो एंजल गॉड यार पीछे उस पहाड़ में दफन है, उनको हमें कैसे भी जिंदा करना होगा ताकि यार हम लोग सन गॉड को हरा पाए, वरना तो यार पूरी की पूरी दुनिया खत्म ही हो जाएगी। चलो गाइस थोड़ा ट्रेन में आगे की तरफ जाते हैं और थोड़ा मस्ती करते हैं, ये ट्रेन में यार कितनी ज्यादा स्पीड है। चलो यार ये तो अच्छी बात है, मैं काफी ज्यादा जल्दी पहुंचूंगा अपने मंजिल पे। अरे फ्रैंकलिन भाई मंजिल का तो पता नहीं, थोड़ा ध्यान रखना कहीं आप गुड़गांव ना पहुंच जाओ, क्योंकि ये ट्रेन कहीं भी जाती है। अबे तू अपना मुंह बंद रख यार, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। और गाइस मैं शायद से लोकेशन पे पहुंच गया यार, हां हां गाइस मैं पहुंच गया, फटाफट उतरना पड़ेगा इस ट्रेन से। अरे ट्रेन वाले रोक ले, अबे अरे तो रोका ही नहीं, चलो मैं कूद गया और देखा यार क्या परफेक्ट लैंडिंग किया मैंने। छोड़ो यार यहाँ पे आगे जाते, और ये क्या आगे तो खाई थी, भाई साहब गिर गया यार, बहुत जोर से सर पे चोट लग गई। चलो ये सब छोड़ो गाइस, देख सकते हो ये जो गुफा है इसी के अंदर वो एंजल स्टोन होना चाहिए जैसा कि यार वो एंजल गॉड ने बताया था। पहले तो यार फटाफट इस दरवाजे को तोड़ दे ताकि मैं अंदर जा पाऊँ। अरे यार टूट गया यार, एक साइड गई टूटा, चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर से तो मैं घुस ही जाऊंगा कैसे भी अंदर। और फटाफट यहाँ पे अंदर जाते, और यहाँ पे अंदर कितना ज्यादा अंधेरा है यार। अरे फ्रेंडली भाई जरा संभल के इन अंधेरी गुफाओं में देखना यार, चूहों के साथ साथ भूत भी हो सकते हैं। अरे यार तू ये सब मत बोले, तो वैसे मेरे भूतों से फटती है, और ये गुफा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार, पता नहीं एंजल गॉड कहाँ पे होगा इसके अंदर। यहाँ पे तो दो रास्ते आ गए, लेफ्ट और राइट, और भाई साहब यहाँ पे तो कोई आदमी भी मरा पड़ा, लगता है कोई और भी एंजल स्टोन लेने आया होगा। चलो ये सब छोड़ो, मेरे को आगे बढ़ते रहना होगा यार, फटाफट ढूंढना है तो। और आगे जाते रहते, और एक मिनट पीछे से ये लाइटिंग कैसे आ रही है, पीछे इतना ज्यादा चमक रहा है, एक मिनट देखो तो। और गाइस देखो ये रहा एंजल स्टोन, भाई साहब इसके अंदर से तो बहुत मस्त पावर्स
निकल रही है यार, यही पावर्स की मदद से वो एंजल गॉड भी उठ पाएगा। चलो फटाफट इसको लेके जाते हैं वापस एंजल गॉड के पास। यहाँ पे मैंने स्टोन तो ले लिया, अब फटाफट जाते हैं। और यहाँ पे यार पहले तो यार इस गुफा से निकलना पड़ेगा, ये गुफा कितनी ज्यादा अंधेरी है यार, मेरे को टॉर्च लेके आना चाहिए था। चलो छोड़ो, यहाँ पे रोड पे आ गया और यहाँ पे गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। ए भाई रुके भाई टकले, चल फटाफट गाड़ी छोड़ टकले, बाहर निकल, तेरी ऐसी की तैसी समझ नहीं आ रहा क्या भाई साहब? इधर मैं दुनिया को बचाने जा रहा हूँ और ये निकल ही नहीं रहा था। चलो इसको तो मैंने निकाल के फेंक ही दिया। और यार अभी मेरे को काफी ज्यादा दूर जाना है यार, कोई बात नहीं फटाफट स्पीड में जाएंगे। अरे फ्रैंकली भाई, आपको क्या लगता है ये एंजल टाइटन उठ पाएगा क्या इस एंजल स्टोन की मदद से? अब सिंचन यार इसने मंगाया है तो पक्का वो स्टोन कुछ तो काम आएगा ही। फटाफट जाते हैं यार, इसको तो उठाना ही पड़ेगा कैसे भी। अरे यार मेरी गाड़ी एकदम सही से चल नहीं रही, यहाँ पे ठुक गई आके। चलो ये सब छोड़ो, यहाँ पे एंजल टाइटन के पास जाते और उसके सीने पे फटाफट स्टोन को जाकर रखते हैं। और यहाँ पे इनके चेस्ट पे तो आ गया, इनके सीने पे। और लो गाइस यहाँ पे मैंने स्टोन प्लेस कर दिया और देख सकते हो स्टोन ने अपना काम करना चालू कर दिया। इसके अंदर से बहुत तगड़ी तगड़ी पावर्स निकल रही है भाई साहब। अब ये एंजल गॉड फटाफट उठ जाएंगे क्योंकि यार ये स्टोन जो इनके सीने पे लगा दिया। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे एंजल स्टोन तो बाहर आ रहे भाई साहब माउंटेन में से। और यार मैं तो गिर गया यार क्योंकि मैं उनके ऊपर ही खड़ा था। और यहाँ पे देख सकते हो एंजल गॉड खड़े हो चुके भाई साहब, इतने ज्यादा बड़े और कितने ज्यादा खतरनाक दिख रहे यार, काफी ज्यादा कलरफुल है, ये तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। अब यार उसकी खैर नहीं सन गॉड की, भाई साहब हमारे बंदों की शक्तियां लेते ना उसको मार मार के शक्तियां वापस ले लेंगे हम। अरे फ्रैंकलिन बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एंजल स्टोन लाके मेरे सीने पर रख दिया तो मैं वापस से पहले जैसा हो गया। अब चलो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताओ कहाँ जाना है? अरे हाँ एंजल टाइटन आप फटाफट मेरे पीछे आओ। यहाँ पे यार मैंने बाइक फटाफट मंगा ली थी यार क्योंकि उड़ के जाना पड़ेगा जल्द से जल्द। और एंजल टाइटन देख सकते कितने ज्यादा भयंकर दिख रहे। चलो गाइस फटाफट लॉस सेंटोस में जाते और सन गॉड की पुंगी बजाते। और लो भाई साहब हम लोग पहुंच गए। और एक मिनट ये क्या, यहाँ पे इतने सारे सन गॉड टाइटन कहाँ से आ गए? यहाँ पे तो भाई साहब एक ही था। अच्छा गाइस वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि आपने देखा होगा यार, जो ब्लैक हल्क था यार उसको इस सन गॉड ने भेजा था कि भाई साहब जा बाकी के भी गॉड टाइटन को लेके आया जा। तो भाई साहब उनको भी लाके ये लोग ने अपग्रेड कर दिया और यहाँ पे इतने सारे हो गए ये। अरे यार एंजल गॉड टाइटन तो इनको नहीं हरा पाएगा क्योंकि वो तो अकेला है, इन सबको हराना तो अब नामुमकिन है यार। अब मैं क्या करूं गाइस, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लगता है गाइस इनको हम इस वीडियो में नहीं हरा पाएंगे। गाइस फटाफट कमेंट में पार्ट टू लिखो यार ताकि आप देख सको कि इनको हम हरा पाते कि नहीं। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल वाला बटन जरूर दबाना, तभी भाई साहब पार्ट टू आएगा। फटाफट लाल वाला बटन दबा दो और पार्ट टू लिख दो।